नमस्कार दोस्तों, मैं हरमन स्वागत करता हूं आप सभी का जॉब वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आया हूं, जो कि हम बात करेंगे 5 से 6 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जो लेटेस्ट आउट हुई है और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपने उन सभी के लिए नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई जरूर से करना है। मैं वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन कौन सा नोटिफिकेशन है, कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है और कहां से आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलते रहे और समय रहते आप उसके लिए अप्लाई कर पाए। वैकेंसीज की बात करूं तो और भी बहुत सारे वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिनको आप हमारी वेबसाइट जो कि www.clory.com पे जाके चेक कर सकते हैं और चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं रिक्रूटमेंट अपडेट की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि रहने वाला है पोस्ट ऑफिस का नोटिफिकेशन। इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आपने पहले भी देखा होगा नोटिफिकेशन लास्ट टाइम भी आया था इंडिया पोस्ट का, जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो इसके लिए लास्ट डेट जो रहने वाली है दैट इज 22 नवंबर 2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट पोजीशन जिसके लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है, वो है पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट का, जिसके लिए आपकी सैलरी 25,500 से लेके 81,100 रहने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें पोस्टमैन की वैकेंसीज आउट हुई है, जिसके लिए आपकी सैलरी 21,700 से लेके 69,100 रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसके लिए 18,000 आपकी सैलरी स्टार्टिंग रहेगी और 56,900 आपकी सैलरी जाएगी। नेक्स्ट है मेल गार्ड की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए 18,000 से लेके आपकी 56,000 तक सैलरी रहने वाली है। और अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की तो 10th 12th ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को पजल करता है, तो इसके लिए सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होनी है, मतलब के मेरिट बेसिस पे आपकी सिलेक्शन इसमें होने वाली है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज एप्लीकेशन फी पे करना है, जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए है और बाकी किसी भी कैंडिडेट्स को पे करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन। पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 12th एंड ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, पोस्टमैन के लिए 12th एंड ग्रेजुएशन वाले। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों वाले अप्लाई कर सकते हैं, मेल गार्ड के लिए 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। अब इसमें क्या है, जो भी कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफिकेशन बैरियर को अगर वो करता है एप्लीकेबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लिए एज लिमिट की। तो जो कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 18 से लेकर 27 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी वाले कैंडिडेट को 13 ईयर का और उसी के साथ पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट को 15 ईयर तक का जो है एज रिलैक्सेशन इसके अंदर दिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए मैंने फर्स्ट लिंक आपको दिया है, ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करनी है और उस रजिस्ट्रेशन के बाद अप्लाई कर लेना होगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके और अपने एक फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज उसको भी स्कैन करके लीजिएगा, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और देन जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन भर लेते हैं देन आपको एप्लीकेशन फी जो है वो पे करनी होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब बीएसएफ की तरफ से जारी किया गया है, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट के वैकेंसीज है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो 8 पोस्ट आउट की गई हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं और इसके लिए सैलरी आपकी बहुत अच्छी है, जो कि 56,000 से लेके 1,77,500 आपकी सैलरी इसके अंदर रहने वाली है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए जो है 22 नवंबर 2022 रहने वाली है। ऑनलाइन आपको इसके लिए अप्लाई करना है, कोई भी अदर मोड अप्लाई करने के लिए नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फी आपको क्या पे करनी है। तो अनरिजर्व कैंडिडेट ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को 400 है, एससी एसटी ईएसएम और फीमेल कैंडिडेट को 47 रुपीज पे करने हैं। पेमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आपको अप्लाई करनी होगी। वैकेंसीज की बात करूं और एज लिमिट की तो असिस्टेंट कमांडेंट वर्क्स की 6 वैकेंसीज है, जिसके लिए 35 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल है। असिस्टेंट कमांडेंट इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसीज आउट की गई है, जिसके लिए 35 ईयर के तक के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। असिस्टेंट कमांडेंट वाटर विंग की 1 वैकेंसी, जिसके लिए 22 से लेकर 28 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करूं इसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है तीनों पोस्टों के लिए। जो असिस्टेंट कमांडेंट वर्क्स की है उसके लिए जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री की हुई है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से वो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए जिन्होंने डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की हुई है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और वाटर विंग के लिए जिन्होंने बैचलर डिग्री मरीन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक
इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर की हुई है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने इसका लिंक भी आपको दे दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर आपकी जो है इसके अंदर पीएसटी टेस्ट होगा आपका और पीईटी टेस्ट होने वाला है। उसके अंदर सारी डिटेल नोटिफिकेशन पीडीएफ में लिखी हुई है, वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इस पे आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, देन उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगी, और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद सिलेक्शन आपकी होने वाली है। ये तो था ये नोटिफिकेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि निकल के आ चुकी है मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से। तो ये नोटिफिकेशन 142 पोस्ट के लिए आउट किया गया है। इसके लिए लास्ट डेट 30th November 2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लिए कि आपको एप्लीकेशन फी क्या पे करनी है। तो इसके लिए आपको अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 590 रुपीज, SCST को 236 रुपीज पे करने होंगे, और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज की, सबसे पहले तो असिस्टेंट मैनेजर सिविल की वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर SMT की है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर SMT, अकाउंट असिस्टेंट की, ऑफिसर असिस्टेंट HR की वैकेंसीज आउट की गई है। इसके अंदर आपकी सैलरी जो है 25,000 से लेके 67,000 तक आपकी सैलरी इसके अंदर रहने वाली है। तो आपने चेक करके जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 142 है। इसके अंदर अलग अलग क्वालिफिकेशन जैसे कि बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में या रेलिवेंट डिसिप्लिन में जिन्होंने की हुई है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जिन्होंने बीटेक की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं। इवन के अकाउंट मैनेजर के असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए जो है सीए वाले कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल में डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। SNT के लिए इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, और बीकॉम जिन्होंने की हुई है वो अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ ऑफिस असिस्टेंट HR की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए जिन्होंने के पास ग्रेजुएशन है, जिन्होंने की हुई है 3 ईयर की और किसी भी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से की हुई है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विद 60% मार्क्स के साथ। तो आप इसके लिए जल्दी से जाके अप्लाई कर लीजिए। थर्ड नोटिफिकेशन था। अब हम बात करते हैं फोर्थ नेटिव नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि आउट किया गया वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से। ये नोटिफिकेशन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से आउट किया गया है, और इसके लिए भी ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। विद इन 30 डेज आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 18,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरीज के अंदर रहने वाली है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें अंदर एलिजिबिलिटी की, तो 10th+ ITI जिन्होंने की हुई है वो इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, सेकंड डिविजनल असिस्टेंट की वैकेंसी जो है ये आउट की गई है। 18 से लेकर 40 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट की गई हैं, और जैसे मैंने आपको बताया 10th ITI वाले एलिजिबल हैं, तो जल्दी से जाके अप्लाई कर लेना। अब हम बात करते हैं फिफ्थ एंड लास्ट जो नोटिफिकेशन है वो आउट किया गया है। ये नोटिफिकेशन एक्चुअली रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। तो इसके अंदर आपको 15 नवंबर तक इसके लिए अप्लाई करना है। जितने भी नोटिफिकेशन है नवंबर में उनकी लास्ट डेट है, तो आपको अप्लाई आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर वैकेंसीज कौन कौन सी आउट हुई है, सबसे पहली वैकेंसी क्लर्क की है, देन कानूनों की है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसीज आउट की हैं, और 10,101 वैकेंसीज टोटल आउट की गई हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं 25,000 से लेके 59,000 सैलरीज के अंदर रहने वाली है। पोस्ट वाइज वेरी कर सकती है, वो आप नोटिफिकेशन पीडीएफ में चेक कर लेना। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आपकी एज लिमिट। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 18 से लेकर 37 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए 18 से लेकर 50 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस ओबीसी के लिए 18 से 53, और उसी के साथ जो पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एससी एंड एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है 18 to 55 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और अप्लाई कर पाएंगे। इन सभी के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है, तो अलग अलग अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। मैंने आपको इस पोस्ट का लिंक दे दिया है, डायरेक्टली आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर जिन्होंने रेलिवेंट डिसिप्लिन में डिग्री और डिप्लोमा किए हुए हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो जल्दी से जाके नोटिफिकेशन पीडीएफ को आप चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसके अंदर आपकी सिलेक्शन जो है रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू होने वाली है। सो उसके लिए आपको अपनी तैयारी
जानकारी पूरी रखनी है। सो ये नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो मैंने आपको बताई है अभी तक, वो टोटल 5 जो है नोटिफिकेशन अलग अलग है, तो आप जल्दी से जाके चेक करके अप्लाई कर लीजिए जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो अब मैं आपको मिलूंगा नए नोटिफिकेशन के साथ नए वीडियो के अंदर। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।